बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपनी सासू माँ के साथ सुबह सुबह गई हूँ डेरे पे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। ये सुबह का टाइम है, सूरज अभी नहीं निकला हुआ। इस टाइम मेरी सास आती हैं डेरे पे, ये जो दूध देने वाले को देना होता है उसको देती हैं और बाकी का घर लेके जाती हैं। तो मैंने कहा आज आपके लिए कुछ नई वीडियो बनाती हूँ अपने डेरे की, आपको सैर करवाती हूँ और मैं भी साथ आ गई। अभी मैंने यहाँ से फारग होके घर जाके बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है और फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है। व्यूअर्स, ये हमारा माशाल्लाह से डेरा है जिसपे हमारे ये दो फैमिलीज़ सीरी फैमिलीज़ रहती हैं जो डेरे पे काम करने वाले हैं वो। अभी सबसे पहले मैं आपको अपनी फसलें दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये हमारी फसलें हैं, ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने में पक जाएंगी। अभी कुछ जो फसल है वो हमने काट ली है। ये देखें, ये हमारी सीरनों ने थापियाँ बना के दीवार के साथ लगाई हुई हैं। जब कभी गैस ना हो तो मैं भी यहाँ से मंगवाती हूँ, इनसे आग जलाते हैं। ये सुपर बासमती की फसल है व्यूअर्स, ये अभी इसके कलर से आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्रीन है, अभी कच्ची है। 1 से 1.5 माह में ये पककर तैयार हो जाएगी। हमारे डेरे की दो साइड्स हैं, एक ये न्यू साइड हमने बनाई है, यहाँ पर एक और फैमिली को ला के रखने का राय साहब का प्रोग्राम है। ये कोई ज़रात की मशीनरी है, कोई फसल लगाने में ही काम आती है, मुझे नहीं पता ये क्या है। और व्यूअर्स, ये शहद के डिब्बे हैं जिसमें शहद बनती है। और ये है हमारा माशाल्लाह से न्यू ट्रैक्टर जो हमने 1 साल पहले बिल्कुल 0 मीटर न्यू लिया था। इसने तो ऐसे चादर ली हुई है जैसे दुल्हन लेते हैं। चलें, ये जिसकी चादर मैंने हटा दिया, अब ये देखें ये माशाल्लाह से साफ़ सुथरा करके राय साहब ने खड़ा किया हुआ है। कभी कभी गंदा भी खड़ा होता है लेकिन अभी तो साफ़ सुथरी हालत में ही है। ये थापियाँ सूखी हुई पड़ी हुई हैं व्यूअर्स। ये सामने जो एरिया है यहाँ पे भी फसल लगी हुई थी लेकिन मैंने अभी आपको बताया उसकी कटाई हो गई है। और ये सामने खुला मैदान है, ये 3 से 4 एकड़ का मैदान है, इसमें कोई फसल नहीं उगाई जाती। तो इसलिए बच्चे यहाँ पर, क्योंकि ये ज़ेरे काश्त नहीं है, बच्चे यहाँ पर आके बैट बॉल खेलते हैं। बच्चों को जब भी टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है, वो उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो डेरे पे जाएं। ये देखें जी, ये सारा रकबा हमारा है माशाल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। ये होगी हमारे डेरे की बैक साइड जहाँ पे इसका ट्रैक्टर का गैराज है। और ये है हमारे डेरे की फ्रंट साइड। और ये हमारे सीरी यहाँ पे इस कमरे में रहते हैं, वहाँ पे वो खाना बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अर्ली मॉर्निंग है तो लाइट भी ऑन है और उनकी चारपाइयाँ भी वैसे पड़ी हुई हैं। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ हमारी भैंसों के लिए चारा काटा जाता है। ये देखें, थोड़ा सा चारा तैयार भी पड़ा हुआ है काट के। ये चारा काटने वाली मशीन है। और ये हमारी मुर्गियाँ जो हैं वो हवेली के अंदर घूम फिर रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पर रात को स्टे करती हैं भैंसें, और जो दूध नहीं देने वाली भैंसें वो अभी अंदर ही हैं, बाकी भैंसों को ले गए हैं बाहर चरवाने के लिए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है व्यूअर्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और व्यूअर्स, ये हमारी वो भैंसें हैं जो दूध देती हैं, ये सारी भैंसें दूध देने वाली हैं। कुछ दूध लेने वाला ले जाता है और माशाल्लाह से बाकी घर में चला जाता है। मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं हर जगह। व्यूअर्स, ये भैंसों का स्विमिंग पूल है जहाँ पे भैंसें नहाती हैं। बकरियाँ भी हैं हमारी, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे भैंसों के साथ साथ मेरे बच्चे भी नहाते हैं, सारी गर्मियाँ वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे निकर्स उन्होंने रखी हुई हैं, वो पहन के नहाते रहते हैं, इंजॉय करते हैं। चलिए, अब मैं आपको अपनी बकरियों से मिलवाती हूँ। ये देखिए चूज़े कितने मज़े में हैं। ये जी, ये देखें, ये हमारी बकरियां हैं, ये बैठी हुई हैं। अभी मैंने आपको बताया सुबह का टाइम है तो अभी मेरे ख्याल में इनकी आंख सही तरह से नहीं खुली। और ये इनके बच्चे हैं, ये अलहदा से एंजॉय कर रहे हैं। ये हल पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये बच्चे जो हैं आपस में खेल कूद रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से मुर्गियाँ भी सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। ये देखें जी, ये फिर स्विमिंग पूल आ गया। व्यूअर्स, ये जो सामने आपको
ये अच्छी तरह से, ये हमारे यहाँ पे बिजली वाली मोटर लगी हुई है जिससे ये भरता है। ये सामने जो एरिया आपको नज़र आ रहा है गीला गीला, इसमें भैंसों ने सर्दियों में जो चारा खाना है ना उसको, उसकी बिजाई कर दी गई है। ये देखें, इसको पानी भी लगा दिया गया है। सारी सर्दियाँ भैंसें यही चारा खाएंगी जो ये लगाया गया है। व्यूअर्स, ये था हमारा डेरा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि एवरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। व्यूअर्स, ये हमारी भैंसों के बच्चे हैं, इनको एक साइड पर लदा से रखा गया ताकि बड़ी भैंसें इनको मारे ना। ये भी माशाल्लाह से चारा खाने में मसरूफ़ है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा डेरा गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है।